हेलो दोस्तों दोस्तों सबसे पहले आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दूसरा मेरे दोस्तों, मैंने राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी आर्टिकल 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर पार्ट वन ऑलरेडी क्रिएट कर दिया है, तो ये पार्ट टू होगा इस वीडियो का। दिस विल बी पार्ट टू। मैंने पार्ट वन में आपको बताया कि नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट द प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाई लॉ। तो इस आर्टिकल 21 की स्टेटमेंट में नो पर्सन का मतलब क्या है, दूसरा राइट टू लाइफ का मतलब क्या है, ये हमने पार्ट वन में डिस्कस किया। आज के पार्ट टू में आई विल बी डिस्कसिंग अबाउट राइट टू पर्सनल लिबर्टी क्या होती है। तो मेरे दोस्तों, हम राइट टू पर्सनल लिबर्टी को डिस्कस करेंगे कि राइट टू पर्सनल लिबर्टी क्या होती है, व्हाट इज राइट टू पर्सनल लिबर्टी। तो मेरे दोस्तों, अगर मैं पर्सनल लिबर्टी की बात करूं तो शुरू में बिगनिंग में जब देश आज़ाद हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशन नया बना था, उस टाइम राइट टू पर्सनल लिबर्टी का स्कोप बहुत लिमिटेड सा था, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम इसका स्कोप बढ़ता गया और पर्सनल लिबर्टी का स्कोप काफ़ी वाइडर हो गया। सबसे पहले ए के गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास, ए के गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास के केस में 1950 को सुप्रीम कोर्ट ने इस केस पे पर्सनल लिबर्टी के बारे में बताया कि पर्सनल लिबर्टी का सिंपल सा मतलब यही है कि एक व्यक्ति की जो पर्सनल लिबर्टी है वो इन्फ्रिंज नहीं होनी चाहिए, अर्थात एक फाल्स इंप्रिजनमेंट, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट से बंदे को बचाना है, यही पर्सनल लिबर्टी है। सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वर्ड पर्सनल लिबर्टी में पर्सनल भी आता है और लिबर्टी भी आती है। पर्सनल का मतलब होता है व्यक्तिगत, जो एक व्यक्ति विशेष से संबंध रखता हो, और लिबर्टी का मतलब होता है स्वतंत्रता। तो इसका सिंपल सा मतलब बस इतना ही है कि एक व्यक्ति को हम अरेस्ट नहीं करेंगे, रॉन्गफुली एक बंदे को कन्फाइन नहीं करेंगे, इससे ऊपर इसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन मेरे दोस्तों, बाद में इसके बाद आगे केस आया खड़क सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, खड़क सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 1963 सुप्रीम कोर्ट लैंडमार्क जजमेंट। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ए के गोपालन के केस में जो सुप्रीम कोर्ट ने इंटरप्रिटेशन दी थी टर्म पर्सनल लिबर्टी की, वो बहुत नैरो थी, एंड देयर शुड नॉट बी गिवन सच काइंड ऑफ इंटरप्रिटेशन। ए के गोपालन के केस में दी हुई इंटरप्रिटेशन को सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया और कहा पर्सनल लिबर्टी एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है, पर्सनल लिबर्टी में हमारे आर्टिकल 19 के अंदर जितनी भी लिबर्टीज़ दी गई हैं उन सभी लिबर्टी को अगर आप छोड़ देते हो तो बाकी जितनी भी लिबर्टीज़ बचती हैं जो एक्सप्रेसली नहीं दी गई हैं तो वो सारी हमारे पर्सनल लिबर्टी के अंडर आ जाती है, अंडर आर्टिकल 21। हाँ, मेरी बात ध्यान सुने, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ मेरे स्टूडेंट्स कि खड़क सिंह के केस में क्या बोला गया कि पर्सनल लिबर्टी टर्म काफ़ी बड़ी है, एंड जो आर्टिकल 19 में हमें स्वतंत्रताएं दी हैं, फ्रीडम्स दी हैं, लिबर्टीज़ दी हैं, उनके अलावा अगर कोई और लिबर्टी है तो वो पर्सनल लिबर्टी में कवर होगी, आर्टिकल 21 में कवर हो जाएगी। इसको और ज़्यादा व्यू को बड़ा कर दिया हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक नए केस में जिसका नाम था मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1978 सुप्रीम कोर्ट। मेनका गांधी का केस हमारे सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने पर्सनल लिबर्टी को और भी बड़ा कंसेप्ट दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो इंटरप्रिटेशन ए के गोपालन में दी थी उसको रिजेक्ट कर दिया, खड़क सिंह में जो इंटरप्रिटेशन दी थी उसको भी रिजेक्ट कर दिया, और कहा कि पर्सनल लिबर्टी में वो सारी लिबर्टीज़ आ जाएंगी जो हमारे आर्टिकल 19 में दी गई हैं और साथ ही साथ जो आर्टिकल 19 में नहीं दी गई हैं। अर्थात खड़क सिंह में जहाँ पे ये बोला गया था कि पर्सनल लिबर्टी में बस वो लिबर्टीज़ आएंगी जो आर्टिकल 19 के अलावा कोई लिबर्टी है वो आएगी, 19 वाली लिबर्टीज़ नहीं आएंगी। हमारे मेनका गांधी के केस में सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ बोल दिया कि भाई पर्सनल लिबर्टी एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है, हर तरह की लिबर्टी कवर करता है आर्टिकल 21 इम्प्लाइडली, और जो 21 में पर्सनल लिबर्टी वर्ड यूज़ किया गया है उसमें आर्टिकल 19 की लिबर्टीज़ तो आएंगी ही आएंगी, इसके अलावा कोई और भी लिबर्टीज़ बचती हैं वो भी आ जाएंगी। तो इस तरह मेरे दोस्तों, राइट टू पर्सनल लिबर्टी में पर्सनल लिबर्टी का जो मीनिंग था वो समय से समय चेंज होता गया। तो आइए दोस्तों, अब शुरू करते हैं आर्टिकल 21 में पर्सनल लिबर्टी के एस्पेक्ट्स
एस्पेक्ट्स का पता ही क्या क्या एस्पेक्ट्स हैं पर्सनल लिबर्टी के, एस्पेक्ट्स ऑफ पर्सनल लिबर्टी, मतलब कि आर्टिकल 21 में जो पर्सनल लिबर्टी वर्ड यूज़ किया गया है उसकी स्कोप क्या है। मेरे दोस्तों, जैसे हमने पिछली वीडियो में आर्टिकल 21 की स्कोप पढ़ी थी कि आर्टिकल 21 में क्या आ गया, राइट टू लाइफ आया था, राइट टू लिव विद डिग्निटी आया था, राइट टू लाइवलीहुड आया था, राइट अगेंस्ट सेक्सुअल हरासमेंट इन द वर्क प्लेस आया था, राइट अगेंस्ट स्मोकिंग इन पब्लिक प्लेस आया था, राइट अगेंस्ट इलीगल डिटेंशन आया था, बहुत कुछ उसमें आ गया था। उसी तरह हम पढ़ेंगे कि जो राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी हमारा है उसका स्कोप क्या है। जो पर्सनल लिबर्टी है हमारा, क्योंकि लाइफ राइट टू लाइफ हमने पढ़ लिया है, पर्सनल लिबर्टी का स्कोप क्या है, तो सबसे पहले शुरू करते हैं हम राइट टू प्राइवेसी। सबसे पहला जो स्कोप आता है राइट टू पर्सनल लिबर्टी का, वो राइट टू प्राइवेसी आ जाता है। मेरे दोस्तों, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में राइट टू प्राइवेसी कहीं भी एक्सप्रेसली नहीं दिया गया है, लेकिन मेरे दोस्तों इम्प्लाइडली राइट टू प्राइवेसी को आर्टिकल 21 में ही माना जाता है कि आर्टिकल 21 में जहाँ पे राइट टू पर्सनल लिबर्टी है उसमें राइट टू प्राइवेसी भी है। इसके रिगार्डिंग मैं आपको कुछ लैंडमार्क केसेस बताऊँगा, स्टेप बाई स्टेप आप ध्यान से देखें। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ, एक केस हुआ था एम पी शर्मा वर्सेस सतीश चंद्रा 1954 सुप्रीम कोर्ट। इस केस में मेरे दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ शब्दों में बोल दिया कि राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी में जो पर्सनल लिबर्टी है उसमें राइट टू प्राइवेसी नहीं आता, अर्थात इस केस में बोला गया राइट टू प्राइवेसी किसी भी तरह का फंडामेंटल राइट नहीं है। इस केस में एक्चुअली हुआ क्या था कि जो दालमिया ग्रुप है, आपने नाम सुना होगा, कंपनीज का ग्रुप है दालमिया, तो उस दालमिया ग्रुप की जो कंपनीज थी उनके अगेंस्ट माल प्रैक्टिसेस के आरोप लगे थे, और हमारे मजिस्ट्रेट साहब ने उनकी जो कंपनी थी वहाँ पे जाकर अरेस्ट जाकर वहाँ पे सर्च करने के ऑर्डर निकाले थे। जब सर्च करने के ऑर्डर निकाले तो ये दालमिया ग्रुप पहुँच गया सुप्रीम कोर्ट, एमपी शर्मा पहुँच गए सुप्रीम कोर्ट, और उन्होंने क्या कहा वहाँ जाकर सुप्रीम कोर्ट को कि हाँ, हमें फंडामेंटल राइट टू प्राइवेसी दिया गया है, तो हम अपनी कंपनीज का ब्यौरा, अपनी कंपनीज की इन्फॉर्मेशन कंपनीज में सर्च क्यों एलो करें। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था नो, राइट टू प्राइवेसी किस तरह का भी फंडामेंटल राइट नहीं है, दिस इज नॉट द फंडामेंटल राइट। इसी तरह अगला केस था हमारा खड़क सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 1963, खड़ग सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 1963 के सुप्रीम केस में सुप्रीम कोर्ट ने यही बात बोली जो एमपी शर्मा वाले केस में बोली थी कि राइट टू प्राइवेसी इज नॉट अ पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। इसके बाद अगला केस था हमारे पास गोविंद वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी 1975 सुप्रीम कोर्ट 1975, दिस वॉज द फर्स्ट केस इन विच सुप्रीम कोर्ट रिकॉग्नाइज्ड राइट टू प्राइवेसी एज ए पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी विद इन द एस्पेक्ट्स ऑफ पर्सनल लिबर्टी। ये पहला केस था जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला जी हाँ, बिल्कुल सही बात है, राइट टू लाइफ में हमारा राइट टू प्राइवेसी आता है, राइट टू पर्सनल लिबर्टी में हमारा राइट टू प्राइवेसी आता है। और इसी केस को फॉलो करते हुए इसके बाद अगला केस आया था मेनका गांधी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 1978 सुप्रीम कोर्ट। मेरे दोस्तों, इस केस में भी डिट्टो यही बोला गया, कि राइट टू लाइफ का मतलब राइट टू प्राइवेसी भी होगा, और राइट टू पर्सनल लिबर्टी जो है उसमें राइट टू प्राइवेसी आएगा। पर्सनल लिबर्टी बहुत बड़ा कंसेप्ट है, इसमें प्राइवेसी भी आता है। तो मेरे दोस्तों, आपको एक टाइम लाइन से समझ आ रही होगी, एमपी शर्मा ने बोला राइट टू प्राइवेसी इज नॉट अ फंडामेंटल राइट अंडर राइट टू पर्सनल लिबर्टी, खड़ग में बोला इट इज नॉट अ फंडामेंटल राइट, दैट इज राइट टू प्राइवेसी नॉट अ फंडामेंटल राइट, गोविंद ने बोला जी हाँ है, राइट टू प्राइवेसी इज अ फंडामेंटल राइट, और मेनका गांधी बोला जी हाँ है। उसके बाद अभी रिसेंटली 2017 का केस मैं आपको बताऊंगा, केएस पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2017 सुप्रीम कोर्ट, आधार कार्ड जजमेंट,
आधार कार्ड केस जजमेंट भी बोलते हैं इस केस को। इस केस में रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि राइट टू लाइफ के अंडर जो है राइट टू पर्सनल लिबर्टी भी आ जाता है। राइट टू लाइफ के अंडर राइट टू पर्सनल लिबर्टी एंड राइट टू प्राइवेसी भी आ जाता है। सॉरी, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के अंडर राइट टू प्राइवेसी भी आ जाता है। इस केस में अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में ये बोला था आधार कार्ड जजमेंट में कि भाई राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, जो पर्सनल लिबर्टी दी गई है उसमें राइट टू प्राइवेसी भी आता है। राइट टू प्राइवेसी इज़ अ पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। मेरे दोस्तों, उसके बाद हम अभी राइट टू प्राइवेसी को डिस्कस कर रहे हैं। अभी हमने राइट टू प्राइवेसी को डिस्कस कर रहे हैं, हम राइट टू प्राइवेसी को ही हम डिस्कस कर रहे हैं। विद इन द एस्पेक्ट ऑफ राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी में जो पर्सनल लिबर्टी है उसमें पहला पॉइंट राइट टू प्राइवेसी डिस्कस कर रहे हैं। अगला पॉइंट आप राइट टू प्राइवेसी में लिखोगे डिस्क्लोजर ऑफ ड्रेडफुल डिजीज। अगर किसी बंदे को ऐसी कोई डिजीज़ हैं जो ड्रेडफुल नेचर की हैं, जो कम्युनिकेबल नेचर की हैं, जो ट्रांसमिटेड नेचर की हैं, जैसे मान लो किसी बंदे को एचआईवी पॉजिटिव है वो बंदा, और उस बंदे को एचआईवी पॉजिटिव की जो रिपोर्ट आती है वो हॉस्पिटल वाले उस बंदे के किसी रिलेटिव को दे देते हैं, तो क्या उसका राइट टू प्राइवेसी ख़त्म होगा या नहीं? तो इसमें एक लैंडमार्क केस था मिस्टर एक्स वर्सेस हॉस्पिटल जेड। उन्नीस सौ नाइनटीन का केस था। इस केस में क्या हुआ था, जो मिस्टर एक्स थे इनको एचआईवी पॉजिटिव थे, इनको एड्स था, और हॉस्पिटल ने क्या किया, ये एड्स की जो रिपोर्ट थी इनकी वो इनकी होने वाली वाइफ को दे दी। इनकी जिस लड़की के साथ रिंग सेरेमनी हुई थी, जो मंगेतर थी इन मिस्टर एक्स की सॉरी, उसको इन्होंने ये रिपोर्ट दे दी। ये सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं कि मेरा राइट टू प्राइवेसी आर्टिकल 21 के अंडर आप मेरा राइट टू प्राइवेसी वायलेट कर रहे हो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ठीक है, राइट टू प्राइवेसी है, नो डाउट, ठीक है, बढ़िया है, आपका राइट टू प्राइवेसी है, लेकिन वो एब्सोल्यूट राइट नहीं है। अगर वो एब्सोल्यूट राइट नहीं है तो उस राइट टू प्राइवेसी को ख़त्म भी किया जा सकता है पब्लिक इंटरेस्ट को लेकर। हम कभी भी ऐसा नहीं कर सकते जिससे एक व्यक्ति का राइट प्रोटेक्ट करते करते दूसरे व्यक्ति को हानि हो जाए, नुकसान हो जाए। तो इन दिस केस सुप्रीम कोर्ट रिफ्यूज्ड, सुप्रीम कोर्ट सेड दैट फंडामेंटल राइट टू लाइफ इंक्लूड्स राइट टू प्राइवेसी, व्हाट दिस इज सब्जेक्ट टू सम कंडीशंस, एंड इफ अ हॉस्पिटल डिस्क्लोजेस द एचआईवी पॉजिटिव रिपोर्ट टू द मिस्टर एक्स वाइफ, जो कि उसकी वाइफ अभी होगी मिस्टर एक्सिस मंगेतर, तो ये राइट टू प्राइवेसी का वायलेशन नहीं होगा। इसी केस को दोबारा से सुप्रीम कोर्ट ने फॉलो किया था, ऐसा ही केस हुआ था मिस्टर एक्स वर्सेस हॉस्पिटल जेड 2003 में। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में बोला कि ये जो केस ऊपर हुआ था 1999 में, ये बिल्कुल सही केस था, इसका डिसीजन बिल्कुल सही था। मतलब क्या हुआ बोलने का, कि अगर हॉस्पिटल में बंदे व्यक्ति जाता है, उसको कोई ऐसी डिजीज़ है, ट्रांसमिटेड कम्युनिकेबल डिजीज़ है, और हॉस्पिटल वाले वो डिजीज़ उसके घर वालों को बता देते हैं, किसी को बता देते हैं, और उससे अगर उसको कुछ नुकसान भी होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, ये राइट टू प्राइवेसी का वायलेशन नहीं होगा। अब मेरे दोस्तों, अगला जो इसमें पॉइंट आता है, अभी हम राइट टू प्राइवेसी पर डे, मैं फिर से बोल रहा हूँ, हाँ जी मेरे दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ अभी लाइक कर दें, जाकर मुझे इससे उत्साह मिलता है, जितने लाइक ज़्यादा होंगे मुझे उतना मन करेगा मैं और वीडियोज़ बनाऊँ, तो अभी लाइक आप कर दीजिए प्लीज़। उसके बाद अगला जो राइट टू प्राइवेसी के अंदर पॉइंट डिस्कस करेंगे हम लोग, वो करेंगे टेलीफोन टैपिंग एंड राइट टू प्राइवेसी। आपने देखा होगा बहुत बार गवर्नमेंट ऑर्डर करती है कि इस बंदे का टेलीफोन टाइप करो, टैप करो, जिससे इसकी सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास आए, ये किससे बात कर रहा है, कब कर रहा है, क्या बात कर रहा है, वो सारा हमारे पास पहुंचे मटेरियल। तो टेलीफोन टैपिंग के रिगार्डिंग क्वेश्चन अराइज हुआ कि क्या ये राइट टू प्राइवेसी के अगेंस्ट है या नहीं। तो इसमें केस हुआ था पीपल यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1997 सुप्रीम कोर्ट। पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया 1997 सुप्रीम कोर्ट। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ बोला कि टेलीफोन टैपिंग करना हमारे देश की सिक्योरिटी के लिए जरूरी हो, इंटीग्रिटी के लिए जरूरी हो, किसी ऑफेंस को रोकने के लिए जरूरी हो, तो ये हमारे राइट टू प्राइवेसी का हनन नहीं माना जाएगा, और टेलीफोन टैपिंग
टाइपिंग की जा सकती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके अलावा मेरे दोस्तों अगला जो पॉइंट राइट टू प्राइवेसी के अंदर ही आएगा वो ये आएगा कि मेडिकल एग्जामिनेशन हमें पता है जब भी केसेस चलते हैं, डाइवोर्स के केसेस चलते हैं तो कोर्ट में बहुत बड़ा कोर्ट मेडिकल एग्जामिनेशन का ऑर्डर करता है कि आप पहले मेडिकल एग्जामिनेशन करवाइए सत्यता का पता करने के लिए। तो क्वेश्चन ये राइज होता है कि जो मेडिकल एग्जामिनेशन करवाए जाते हैं क्या वो किसी के राइट टू प्राइवेसी का हनन होगा या नहीं होगा। तो मेरे दोस्तों एक केस था शारदा वर्सेस धर्मपाल 2003 सुप्रीम कोर्ट। इस केस में क्या हुआ था, इस केस में वुमेन को एक मेडिकल एग्जामिनेशन करवाने के लिए बोला गया था, डिवोर्स का केस चला हुआ था और वो वुमेन ने मना कर दिया मेडिकल एग्जामिनेशन करवाने को। सुप्रीम कोर्ट में केस किया, बोलती मेरा फंडामेंटल राइट टू प्राइवेसी है, मैं क्यों अपना मेडिकल एग्जामिनेशन करवाऊं। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला जी ये राइट एब्सोल्यूट नहीं है, अगर जस्टिस का पता करने के लिए आपको ये बोला जाता है कि आप मेडिकल एग्जामिनेशन करवाइए तो आपको करवाना पड़ेगा और आप ये नहीं बोल सकते कि आपके पास फंडामेंटल राइट टू प्राइवेसी है। इसके बाद अब राइट टू प्राइवेसी खत्म हो जाता है। मेरे दोस्तों राइट टू प्राइवेसी में हमने जाना कि राइट टू प्राइवेसी कब फंडामेंटल राइट नहीं था और कैसे वो फंडामेंटल राइट आके बन गया। लास्ट केस पुट्टास्वामी की 2017 की जजमेंट को मैंने आपको बताया। उसके बाद राइट टू प्राइवेसी के अंदर टेलीफोन टैपिंग का क्या स्टेटस होगा, एग्जामिनेशन का क्या स्टेटस होगा, ये सारी बातें हमने डिस्कस करी। ये पॉइंट हमारा एक राइट टू प्राइवेसी खत्म हो जाता है अंडर पर्सनल लिबर्टी। अब दूसरा पॉइंट आएगा आपका राइट टू गो अब्रॉड। मेरे दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक लैंडमार्क केस में बताया था कि जो राइट टू पर्सनल लिबर्टी दिया गया है आर्टिकल 21 के अंडर, उसके अंडर ये राइट भी अपने आप आ जाएगा कि एक व्यक्ति जो है वो फॉरेन कंट्री जा सके, अब्रॉड जा सके। केस का नाम था मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1978 सुप्रीम कोर्ट। मेरे दोस्तों इस केस में क्या हुआ था, जो मेनका गांधी थे इनका जो पासवर्ड था वो पासपोर्ट एक्ट 1967 के सेक्शन 10(3)(c) के अंदर इसको इम्पाउंड कर लिया, जब्त कर लिया गया पासपोर्ट अथॉरिटीज के जरिए सिक्योरिटी रीजन की वजह से कि आप बाहर नहीं जा सकते, आपका पासपोर्ट यहाँ पे आपको जब्त कराना पड़ेगा। मेनका गांधी जी सुप्रीम कोर्ट पहुँच गए और उन्होंने बोला कि मुझे फंडामेंटल राइट टू लाइफ दिया गया है, पर्सनल लिबर्टी का राइट दिया गया है, मुझे पूरे इंडिया में कहीं भी घूमने का राइट दिया गया है, मुझे कहीं भी जाने का राइट दिया गया है, तो मेरा पासपोर्ट इम्पाउंड क्यों किया गया। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था जी बिल्कुल सही बात है, आपका जो फंडामेंटल राइट टू पर्सनल लिबर्टी है उसके अंडर राइट टू गो टू अब्रॉड भी आता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साथ में इस सेक्शन को वैलिड ठहराया था, कॉन्स्टिट्यूशनल ठहराया था और कहा था कि सिक्योरिटी रीजन की वजह से पासपोर्ट इंपाउंड किया जा सकता है। और सुप्रीम कोर्ट ने इसी केस में डॉक्ट्रीन ऑफ पोस्ट डिसीजनल हियरिंग को डेवलप किया कि अगर आपकी हियरिंग बाद में होती है, पहले पासपोर्ट जब्त हो गया उसके बाद आपको सुना जाता है, फिर आपका पासपोर्ट जो है वो अगर आप पाया जाता है कि आप निर्दोष हो, ऐसा कुछ एप्रिहेंशन नहीं है कि आप से किसी को सिक्योरिटी को खतरा हो, तो आप फॉरेन कंट्री जा सकते हो, और खतरा हो तो आपका पासपोर्ट इंपाउंड ही रहेगा। तो पोस्ट डिसीजनल हियरिंग अर्थात डिसीजन के बाद हियरिंग का जो कंसेप्ट था वो इस केस में फॉलो किया गया था, अडॉप्ट किया गया था। तो राइट टू गो टू अब्रॉड जो केस है बहुत ही लैंडमार्क ये केस है, मेनका गांधी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया का केस है ये हमारा 1978 का, जिसमें कहा गया था सुप्रीम कोर्ट के जरिए कि राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के अंडर राइट टू गो टू अब्रॉड भी अपने आप आ जाएगा। इसके अलावा ये दूसरा हो गया। अब तीसरा लिखिए आप राइट अगेंस्ट इलीगल डिटेंशन। मेरे दोस्तों
फंडामेंटल राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी में जो हमें पर्सनल लिबर्टी दी गई है उसमें हमें ये भी लिबर्टी है कि भाई हमें कोई इलीगली डिटेन नहीं कर सकता, इलीगली गलत तरीके से हमें बांध के जेल में या कहीं भी नहीं रख सकता। अगर कोई व्यक्ति जो है वो डिटेन होता है तो उसको 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ेगा। अगर कोई व्यक्ति अरेस्ट होता है तो उसके घरवालों को उसके अरेस्ट के बारे में बताना पड़ेगा, उसको बोलना पड़ेगा कि तेरे पास राइट टू बेल है, तो बेल ले सकता है। ये सारे राइट्स जो हैं हमारे वो आते हैं आर्टिकल 21 के अंडर विदाउट एनी डाउट। हमारे सुप्रीम कोर्ट ने बहुत केसेस में ऐसा बोला हुआ है। पहला केस है जोगिंदर कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, जोगिंदर कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 1994 सुप्रीम कोर्ट। और दूसरा केस है DK Basu versus State of West Bengal 1996 सुप्रीम कोर्ट। मेरे दोस्तों ये बहुत लैंडमार्क केस हैं, दोनों के दोनों अरेस्ट CRPC सेक्शन 41A, B, C जो भी है ये बहुत ही लैंडमार्क केस है उन सभी अरेस्ट से डील करने के लिए। जोगिंदर कुमार वर्सेज स्टेट ऑफ यूपी, डीके बासु वर्सेज स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, इन केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस इशू करी थी कि भाई कोई भी बंदा जो है वो इलीगल तरीके से डिटेन नहीं किया जा सकता। अगर आप किसी को डिटेन करते हो तो पहली बात उसको 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करो। दूसरी बात अगर किसी को अरेस्ट किया जाता है तो उसके घरवालों को बताओ कि उसकी अरेस्ट हो गई है। तीसरी बात, उस व्यक्ति को जो अरेस्ट किया गया उसको उसके एडवोकेट से मिलने का राइट दिया जाए उसको। फोर्थ, जिस बंदे को अरेस्ट किया गया है अगर उसको अरेस्ट ऐसे ऑफेंस में किया गया जिसमें बेल मिल सकती है तो पुलिस वालों का ड्यूटी है वो उनको बताएं कि भाई आपने जो ऑफेंस किया वो बेलेबल ऑफेंस है और आप बेल के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो ये सारी ड्यूटीज़ किसके ऊपर इम्पोज की गई थी? पुलिस ऑफिसर्स के ऊपर जो किसी बंदे को अरेस्ट करते हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी में जो पर्सनल लिबर्टी है और जो राइट टू लाइफ है उसमें हमारा फंडामेंटल राइट अगेंस्ट इलीगल डिटेंशन भी अपने आप आ जाता है। आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा। इसके अलावा मेरे दोस्तों आप आगे बोल सकते हो, कि राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी हमारा तीसरा राइट आएगा, राइट टू गेट फ्री लीगल एड, फ्री लीगल एड। मेरे दोस्तों अगर मैं फ्री लीगल एड की बात करूं, तो हमारा एक केस था MH होस कोर्ट वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, MH होस कोर्ट वर्सेज स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 1978 सुप्रीम कोर्ट। मेरे दोस्तों इस केस में MH होस कोर्ट वर्सेज स्टेट ऑफ महाराष्ट्र केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भाई जो राइट टू लाइफ है एंड पर्सनल लिबर्टी है आर्टिकल 21 के अंडर, उसके अंडर हमारा फंडामेंटल राइट टू गेट फ्री लीगल एड अपने आप आ जाता है। अगर कोई व्यक्ति गरीब है, वो पॉपर है, वो इंडिजेंट है, कि वो गवर्नमेंट वो जो है वो अपना केस नहीं फाइट कर सकता, उसके पास पैसे नहीं है, तो गवर्नमेंट का ये ड्यूटी बन जाती है कि गवर्नमेंट उसकी हेल्प करे, उसको सरकारी वकील मुहैया कराए और उसको उसका केस लड़ने में मदद करे, उसको जस्टिस दिलाए। तो ये भी इसके अंदर आ जाता है। उसके बाद अगला आ जाएगा फोर्थ पॉइंट, इसमें आ जाएगा उसके बाद राइट टू गेट स्पीडी ट्रायल, तो मेरे दोस्तों राइट टू स्पीडी ट्रायल भी एक फंडामेंटल राइट है जो आर्टिकल 21 के अंडर ही आता है। इसमें एक लैंडमार्क केस है कुशेनरा खातून वर्सेस सेक्रेटरी स्टेट ऑफ बिहार। कुशेनरा खातून वर्सेज सेक्रेटरी स्टेट ऑफ होम सेक्रेटरी स्टेट ऑफ बिहार, ये 1979 का केस है सुप्रीम कोर्ट। इस केस में क्या हुआ था, कुशेनरा खातून वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार के केस में, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भाई कुछ ऐसे केसेस देखे गए हैं जिसमें व्यक्ति को जेल में पड़े 10-10 साल हो जाते हैं, 20-20 साल हो जाते हैं, लेकिन अभी तक उसका
केस ही रिजॉल्व नहीं होता, केस ही पूरा सॉल्व नहीं होता, केस ही फाइनल डिसीजन उसका नहीं दिया जाता। एक व्यक्ति 3 साल की उसने जो चोरी करी उसमें 3 साल सजा होती है, केस का ट्रायल चलने में 10 साल लग जाते हैं, 15-20 साल लग जाते हैं, तो जस्टिस क्या हुआ? जस्टिस तो हुआ ही नहीं, जितनी उसको सज़ा मिलनी थी उससे ज़्यादा दिन तो वो जेल में रहा। तो ये तो हमारे फंडामेंटल राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के अगेंस्ट है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई आप जल्दी केस सुनिए, जल्दी ट्रायल कीजिए, स्पीडी ट्रायल कीजिए, ताकि लोगों को न्याय मिल सके, एंड जस्टिस शुड नॉट ओनली बी डन बट सीन टू बी डन, कि लगे, पता भी चले कि जस्टिस हुआ है। जस्टिस होना नहीं चाहिए नाम का, पता भी लगे कि जस्टिस हुआ है। तो हुशेंद्रा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि जितने भी जो अंडर ट्रायल पर्सन है उनको जल्दी ट्रायल किया जाए, स्पीडी ट्रायल हो उनका और उनको जल्दी जस्टिस मिले। इसके अलावा मेरे दोस्तों आर्टिकल 21 के अंडर ही हमने एक और राइट पढ़ना है, राइट टू बेल। केस है बाबू सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। बाबू सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 1978 सुप्रीम कोर्ट। मेरे दोस्तों इस केस में ये बोला गया कि जो राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी है उसमें राइट टू बेल भी आता है। हमें पता है हमारे CRPC में, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में, दो तरह के ऑफेंसेज हैं, एक बेलेबल ऑफेंसेज है, एक नॉन बेलेबल ऑफेंसेज है। बेलेबल ऑफेंसेज वो होते हैं जिनमें आपको बेल मिल जाती है, पुलिस थाने में बेल मिल जाती है और आपका राइट होता है, मैटर ऑफ राइट होता है, आपको बेल मिलनी भी चाहिए। लेकिन कुछ ऑफेंसेज नॉन बेलेबल हैं जिसमें आपको पुलिस थाने में बेल नहीं मिलती, पर कोर्ट की डिस्क्रिशनरी पावर है, कोर्ट बेल ग्रांट कर सकती है। तो मेरे दोस्तों अगर कोई व्यक्ति ऐसा ऑफेंस करता है जो बेलेबल नेचर का है तो उसका फंडामेंटल राइट बन जाता है कि उसको बेल मिलनी ही चाहिए, उसको बेल लेने से कोई रोक नहीं सकता। ये उसका फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21 में दिया गया है। मैं आपको बताना चाहता हूँ जनरली बेलेबल ऑफेंसेज वो ऑफेंसेज होते हैं जिसमें बेल मिल जाती है और व्यक्ति का मैटर ऑफ राइट बन जाता है वो बेल क्लेम कर सके, और ये जनरली उन केसेस में होती है जो लेस सीरियस नेचर के होते हैं, कम सीरियस नेचर के होते हैं। दूसरा नॉन बेलेबल के कुछ ऑफेंसेस होते हैं जो ज़्यादा सीरियस नेचर के होते हैं, मर्डर, रेप, ग्रीवियस हर्ट, किडनैपिंग फॉर रैंसम, जिसमें बेल नहीं मिलती और बेल जो है वो कोर्ट की डिस्क्रिशनरी पावर के ऊपर डिपेंड करती है। लेकिन जब बेल मिलने का राइट है तो वो फंडामेंटल राइट है हमारा आर्टिकल 21 के अंडर कि हम बेल के लिए डिमांड कर सकते हैं। उसके बाद मेरे दोस्तों अगला आएगा राइट अगेंस्ट कस्टोडियल वायलेंस। राइट अगेंस्ट कस्टोडियल वायलेंस अगर कोई व्यक्ति कस्टडी में है तो उसको टॉर्चर नहीं किया जा सकता। अगर जेल में उसको अरेस्ट किया गया पुलिस के जरिए तो पुलिस उसको अरेस्ट कर उसे टॉर्चर नहीं कर सकती, उसके ऊपर अत्याचार नहीं कर सकती, उसको बार बार तंग नहीं किया जा सकता किसी भी तरह से, मेंटली, फिजिकली, मोनेटरी मतलब पैसों के रूप में किसी भी तरह से उसके ऊपर वायलेंस नहीं किया जा सकता। तो मेरे दोस्तों इसमें केस था DK बासु वर्सेस दिल्ली, DK बासु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, है ना, स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल 1996 सुप्रीम कोर्ट। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने अरेस्ट को लेकर बहुत सारी गाइडलाइंस इशू करी थी। आपको बताना चाहूँगा हमारे CRPC में बहुत सारे प्रोविजंस हैं जो एक अरेस्टेड पर्सन के राइट से डील करते हैं, वो सारे प्रोविजन को डिस्कस इस केस में किया गया था। जो बंदा अरेस्ट होगा उसको टॉर्चर नहीं किया जाएगा, अरेस्ट करने से पहले उसको अरेस्ट का कारण बताया जाएगा, अरेस्ट अगर वो हो जाता है तो उसके घर वालों को ये बताया जाएगा कि उसकी अरेस्ट हो गई है। ये सारी बातें जो थी हमारे DK बासु में डिस्कस करी गई थी। इसमें ये भी बोला गया था कि जिस बंदी की अरेस्ट हो जाती है उसको आप टॉर्चर नहीं कर सकते, कस्टोडियल वायलेंस उसका नहीं हो सकता, और अगर होता है तो वो फंडामेंटल राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का वायलेशन होगा। इसके साथ ही मेरे दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इसी फंडामेंटल राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी में ये भी आ जाता है राइट अगेंस्ट सॉलिटरी कन्फाइनमेंट।
देखो दोस्तों, सोलिटरी कन्फाइनमेंट का मतलब होता है कि जब बंदे को एक ऐसी अकेले ही उसको जेल में डाल देते हैं, उसके साथ बात करने वाला कोई नहीं होता, बस चार दीवारें होती हैं, वो अपने आप से ही बात कर सकता है, अंधेरा होता है वहाँ पे, कोई नहीं होगा, वो अकेला होगा। तो अगर बंदे को हम सोचो, आप हम ह्यूमन बीइंग हैं, हम सोशल एनिमल हैं, अगर हमें कोई बोले अकेला रहना है, बिना बात किए रहना है, कोई हमारे साथ बात नहीं करेगा, तो हम तो पागल हो जाएंगे, हम तो लाइफ अपनी इंजॉय नहीं कर पाएंगे। तो एक केस हुआ था हमारा सुनील बत्रा वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन, सुनील बत्रा वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन 1978 का केस है, 1978 का केस है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा था कि भाई राइट टू लाइफ का मतलब होगा राइट अगेंस्ट सोलिटरी कन्फाइनमेंट। एक बंदे को हम कन्फाइन नहीं कर सकते, सोलिटरी कन्फाइन नहीं कर सकते, एकांत में उसे नहीं रख सकते, उसे हमें बाकी कन्विक्ट्स के साथ रखना पड़ेगा, बाकी प्रिजनर्स के साथ रखना पड़ेगा, और किसी बंदे को एकांत में नहीं भेजा जा सकता किसी भी टर्म के लिए, क्योंकि 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 ये उनका फंडामेंटल राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी अगेंस्ट हो जाएगा। सुनील बत्रा वर्सेज दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था। इसी के साथ राइट टू लिव इन, राइट टू बी इन कस्टडी, ऐसा लिखो आप ना, अंडर ट्रायल प्रिजनर्स नॉट टू बी कैप्ट विद कन्विक्ट्स। जो अंडर ट्रायल प्रिजनर्स होते हैं, जिनका भी ट्रायल चला हुआ है, उनका राइट है, फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21 है कि उनको उनके साथ नहीं रखा जाएगा जो कन्विक्ट हो चुके हैं, जो दोषी करार हो चुके हैं। ये बात भी हमारे सुनील बत्रा वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन के केस में बोली गई थी। क्या बोला था कि भाई फंडामेंटल राइट है सभी लोगों का, कि अगर वो अभी अंडर ट्रायल है, अंडर ट्रायल का मतलब अभी उनका जुर्म जो है वो प्रूव नहीं हुआ है, दोष प्रूव नहीं हुआ है, अभी वो अंडर ट्रायल है, अभी ट्रायल चला हुआ है, तो ऐसे लोगों को अलग रखा जाएगा उनके साथ जो अंडर ट्रायल होंगे, और इनको उनके साथ नहीं रखा जाएगा जो अंडर ट्रायल नहीं होंगे। इसके अलावा मेरे दोस्तों, राइट टू पर्सनल लिबर्टी के अंडर राइट टू फेयर ट्रायल भी आ जाता है, आर्टिकल 21 के अंडर जो हमें राइट दिया हुआ है, फंडामेंटल राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। वैसे देखो, ये जितने भी राइट्स हम डिस्कस कर रहे हैं, वो आप राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी का इकट्ठा सा एक हेडिंग बनाकर पूरे राइट उसमें लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है, उन्होंने आर्टिकल 21 का बहाला दिया होता है, और अकेले उन्होंने नहीं बोला होता ये राइट टू लाइफ में आएगा, ये लिबर्टी में आएगा, ऐसा नहीं है। ये सारे राइट इकट्ठे ही चलते हैं, टुगेदर साइमल्टेनियसली चलते हैं। तो मेरे दोस्तों, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के अंडर राइट टू फेयर ट्रायल भी आ जाएगा। अगर बंदा का केस चला हुआ है, ट्रायल चला हुआ है, तो फेयरली वो ट्रायल चले, ये भी इसमें आ जाएगा। केस था जाहिरा हबीबुल्ला वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात 2004 सुप्रीम कोर्ट, जाहिरा हबीबुल्ला वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात, इसको बेस्ट बेकरी केस भी बोलते हैं। आपने गोधरा कांड का नाम सुना होगा 2002 में, जो गुजरात में दंगे हुए थे, जब वहाँ के CM हमारे देश के ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी थे 2002 के टाइम, उस टाइम ये जो गोधरा कांड हुआ था, उस टाइम का केस है जाहिरा हबीबुल्ला वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात 2004 का केस है। इसमें बोला गया कि राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का मतलब होगा राइट टू फेयर ट्रायल एंड राइट टू फेयर इन्वेस्टिगेशन, भी इसमें बोला गया था राइट टू फेयर इन्वेस्टिगेशन। अगला है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी में आएगा राइट अगेंस्ट हैंड कफिंग, किसी को हाथों से बांधना, हैंड कफ करना, हथकड़ी लगाना, उसके अगेंस्ट हमारा राइट है, हमें कोई हथकड़ी नहीं लगा सकता। अगर आप किसी को अरेस्ट करने जाते हो एंड पर्सन इज रेडी टू गो विद यू फॉर बींग अरेस्टेड, वो अरेस्ट होने में रेडी है, तो आप उसे हैंडकफ नहीं कर सकते, हैंडकफ करने की जरूरत नहीं है, फंडामेंटल राइट है हमारा, हमें कोई हैंडकफ ना करे। केस था इसमें शंकर वर्सेज दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन 1980 सुप्रीम कोर्ट। वैसे ही राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का मतलब होगा राइट अगेंस्ट पब्लिक हैंगिंग।
आपको पब्लिकली कोई हैंग नहीं कर सकता, लटका नहीं सकता। अगर किसी को डेथ पेनल्टी भी होती है तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होगा उसकी डेथ पेनल्टी चौराहे में सभी पब्लिक के बीच होगी। इस केस में क्या हुआ था, राजस्थान हाई कोर्ट ने ऑर्डर पास किए थे कि एक बंदे को पब्लिकली हैंग करेंगे, लटकाएंगे, डेथ पेनल्टी देंगे और बाकी मीडिया के थ्रू, अखबार के थ्रू लोगों को इन्फॉर्मेशन दे दी कि इस पर्टिकुलर डेट पर इस बंदे को पब्लिकली चौराहे में रामलला मैदान में लटकाया जाएगा। ये बंदा सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया, सुप्रीम कोर्ट ने बोला ये ऑर्डर बिल्कुल गलत है, आप किसी को पब्लिकली हैंग नहीं कर सकते, लटका नहीं सकते। इसके साथ मेरे दोस्तों राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के अंडर, मेनली पर्सनल लिबर्टी पर यहाँ पर दोनों ही इकट्ठे चलेंगे मेरे दोस्तों, तो इसमें हमारा ये भी आ जाएगा राइट टू गेट कॉम्पनसेशन। मेरे दोस्तों किसी बंदे का रेड वायलेट होता है अंडर आर्टिकल 21 और अंडर आर्टिकल 21 अपने राइट को सिक्योर करता है तो कोर्ट जो है वो ऑर्डर कर सकती है कि इस बंदे को कंपनसेशन भी मिलेगा इसका राइट वायलेट होने के कारण। अगर किसी बंदे को जेल में रखा जाता है, कस्टोडियल वायलेंस किया जाता है, उसका आर्टिकल 21 में राइट खत्म होता है तो उस बंदे को कंपनसेशन भी दिया जा सकता है कोर्ट के जरिए। तो मेरे दोस्तों इसमें केस था एक केस का नाम था नीलावती बेहरा वर्सेस उड़ीसा, बड़ा लड़वा केस है। नीलावती बेहरा वर्सेस स्टेट ऑफ उड़ीसा 1993 सुप्रीम कोर्ट। इस केस में बोला गया था कि अगर किसी की कस्टोडियल डेथ हो जाती है पुलिस ऑफिसर्स के जरिए तो गवर्नमेंट ऑर्डर कर सकती है कि उसके घर वालों को आप कंपनसेशन दीजिए, पुलिस डिपार्टमेंट कंपनसेशन दे। अगर पुलिस वाले किसी व्यक्ति की कस्टडी में डेथ कर देते हैं, कस्टडियल वायलेंस करते हैं, जो उसका राइट है वो वायलेट करते हैं आर्टिकल 21 के अंडर, तो आर्टिकल 21 के अंडर हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जो है वो कंपनसेशन का ऑर्डर भी दे सकती हैं। इसमें एक और केस था बड़ा लैंडमार्क, रुद्र शाह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार केस था। उसने भी ऐसा कुछ बोला था कि आर्टिकल 21 के अंडर कंपनसेशन भी दिया जा सकता है और किसी का फंडामेंटल राइट ख़त्म होता है। तो मेरे दोस्तों इसी के साथ मेरी ये वीडियो ख़त्म होती है। आज की इस वीडियो में जो मैंने डिस्कस किया मैं आपको बता देता हूँ, मैंने आपको पर्सनल लिबर्टी के बारे में बताया क्या होती है, बहुत सारे राइट्स डिस्कस किए, इसकी स्कोप डिस्कस की हमने पर्सनल लिबर्टी की, राइट टू प्राइवेसी, राइट इसमें हमने बहुत सारे पॉइंट्स पढ़े, राइट टू गो टू अब्रॉड और बाकी बहुत कुछ पढ़ा हमने मेरे दोस्तों। तो मेरे दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगली वीडियो में मैं बताऊँगा आपको कि प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ का मतलब क्या होता है और साथ ही साथ आर्टिकल ये जो 21 है इसका और एमरजेंसी का आपस में क्या संबंध है, एमरजेंसी लगने पर ये आर्टिकल कब सस्पेंड होता है और कब नहीं होता, क्या होता भी है क्या नहीं होता या पहले होता था अब नहीं होता, जो भी है। तो मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वी नीड योर सपोर्ट, थैंक यू वेरी मच।